व्यवस्था विवरण अध्याय तीन। व्यवस्था विवरण अध्याय तीन। तब हम मुड़कर बाशान के मार्ग से चढ़ चले और बाशान का ओग नाम राजा अपनी सारी सेना समेत हमारा सामना करने को निकल आया कि एद्रिक में युद्ध करे। तब यहोवा ने मुझसे कहा, उससे मत डर, क्योंकि मैं उसको सारी सेना और देश समेत तेरे हाथ में किए देता हूं। और जैसा तूने हेशपुन के निवासी एमोरियो के राजा सिहोन से किया, वैसा ही उससे भी करना। सो इस प्रकार हमारे परमेश्वर यहोवा ने सारी सेना समेत बाशान के राजा ओग को भी हमारे हाथ में कर दिया, और हम उसको यहां तक मारते रहे कि उनमें से कोई भी न बच पाया। उसी समय हमने उनके सारे नगरों को ले लिया, कोई ऐसा नगर न रहा कि जिसे हमने उनसे न ले लिया। इस रीति अर्गोब का राजा, अर्गोब का सारा देश जो बाशान में ओग के राज्य में था और उसमें 60 नगर थे, वह हमारे वश में आ गया। ये सब नगर गढ़वाले थे और उनके ऊंची ऊंची शहरपनाह और फाटक और बेड़े थे, और इनको छोड़ बिना शहरपनाह के भी बहुत से नगर थे। और जैसा हमने हेशपुन के राजा सिहोन के नगरों से किया था, वैसा ही हमने इन नगरों से भी किया, अर्थात सब बसे हुए नगरों को स्त्रियों और बाल बच्चों समेत सत्यानाश कर डाला। परंतु सब घरेलू पशु और नगरों की लूट हमने अपनी कर ली। यो हमने उस समय यर्दन के इस पार रहने वाले एमोरियों के दोनों राजाओं के हाथ से अर्नोन के नाले से लेकर हेरमोन पर्वत तक का देश ले लिया। हेरमोन को सिदोनी लोग सिरियोन और एमोरी लोग सनीर कहते हैं। समथर देश के सब नगर और सारा गिलाद और सलका और एद्री तक जो ओक के राज्य के नगर थे, सारा बाशान हमारे वश में आ गया। जो रपाई रह गए थे उनमें से केवल बाशान का राजा ओग रह गया था। उसकी चारपाई जो लोहे की है, वह तो अम्मोनियों के रब्बा नगर में पड़ी है। साधारण पुरुष के हाथ के हिसाब से उसकी लंबाई 9 हाथ की और चौड़ाई 4 हाथ की है। जो देश हमने उस समय अपने अधिकार में लिया, वह यह है, अर्थात अर्नोन के नाले के किनारे वाले अरोएर नगर से ले सब नगरों समेत गिलाद के पहाड़ी देश का आधा भाग, जिसे मैंने रूबेनियों और गादियों को दे दिया, और गिलाद का बचा हुआ भाग और सारा बाशान अर्थात अर्गोब का सारा देश जो ओग के राज्य में था, इन्हें मैंने मनुष्य के आधे गोत्र को दे दिया। सारा बाशान तो रपाइयों का देश कहलाता है, और मनुष्य याइर ने गशूरियों और माकावासियों के सिवानों तक अर्गोब का सारा देश ले लिया, और बाशान के नगरों का नाम अपने नाम पर हब्बोत्याइर रखा, और वही नाम आज तक बना है। और मैंने गिलाद देश माकिर को दे दिया, और रूबेनियों और गादियों को मैंने गिलाद से ले अर्नोन के नाले तक का देश दे दिया, अर्थात उस नाले का बीच उनका सिवाना ठहराया, और यब्बोक नदी तक जो अम्मोनियों का सिवाना है, और किन्नेरेत से ले पिसगा की सलामी के नीचे अराबा के ताल तक जो खारा ताल भी कहलाता है अराबा, और यर्दन की पूर्व की ओर का सारा देश भी मैंने उन्हीं को दे दिया। और उस समय मैंने तुम्हें यह आज्ञा दी कि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें यह देश दे दिया है कि उसे अपने अधिकार में रखो। तुम सब योद्धा हथियारबंद होकर अपने भाई इसराइलियों के आगे आगे पार चलो, परंतु तुम्हारी स्त्रियां और बाल बच्चे और पशु, जिन्हें मैं जानता हूं कि बहुत से हैं, वह सब तुम्हारे नगरों में जो मैंने तुम्हें दिए हैं रह जाए। और जब यहोवा
तुम्हारे भाइयों को वैसा विश्राम दे जैसा कि उसने तुमको दिया है, और वे उस देश के अधिकारी हो जाए जो तुम्हारा परमेश्वर यहोवा उन्हें यर्दन पार देता है, तब तुम भी अपने अपने अधिकार की भूमि पर जो मैंने तुम्हें दी है लौटोगे। फिर मैंने उसी समय यहोशू से चिताकर कहा, तूने अपनी आंखों से देखा है कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने इन दोनों राजाओं से क्या क्या किया है, वैसा ही यहोवा उन सब राज्यों से करेगा जिनमें तू पार होकर जाएगा। उनसे न डरना, क्योंकि जो तुम्हारी ओर से लड़ने वाला है वह तुम्हारा परमेश्वर यहोवा है। उसी समय मैंने यहोवा से गिड़गिड़ाकर विनती की कि हे प्रभु यहोवा, तू अपने दास को अपनी महिमा और बलवंत हाथ दिखाने लगा है। स्वर्ग में और पृथ्वी पर ऐसा कौन देवता है जो तेरे से काम और पराक्रम के कर्म कर सके? इसलिए मुझे पार जाने दे कि यर्दन पार करके उस उत्तम देश को अर्थात उस उत्तम पहाड़ और लबानन को भी देखने पाऊं। परंतु यहोवा तुम्हारे कारण मुझसे रुष्ट हो गया और मेरी न सुनी, किंतु यहोवा ने मुझसे कहा, बस कर, इस विषय में फिर कभी मुझसे बातें न करना। पिसगा पहाड़ की चोटी पर चढ़ जा और पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों ओर दृष्टि करके उस देश को देख ले, क्योंकि तू इस यर्दन के पार जाने न पाएगा। और यहोशू को आज्ञा दे और उसे ढाढ़स देकर दृढ़ कर, क्योंकि इन लोगों के आगे आगे वही पार जाएगा और जो देश तू देखेगा उसको वही उनका निज भाग कर देगा। तब हम बेतपोर के सामने की तराई में ठहर गए।